हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम सिलेबस को देखने वाले हैं कि कैसा हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू SSC RRBJ, और किस तरीके से अपने को पढ़ना है। क्योंकि अगर पावर सिस्टम के सिलेबस को देखेंगे तो मामला जो है कुछ और ही दिखेगा, टॉपिक इधर से उधर होंगे, लेकिन अपन इसको बहुत बेहतर तरीके से अरेंज वे में पढ़ेंगे, और जो एग्जाम प्रस्पेक्टिव से होगा इम्पोर्टेंट उन्हीं को पढ़ेंगे, और जो बाद की चीजें होंगी उसको बाद में पढ़ लेंगे। किस तरीके का सिलेबस होने वाला है, तो इस सेशन में मैं आपको क्या बताऊंगा कि SSC JEE ने पावर सिस्टम की सिलेबस को क्या रखा है, उनके सिलेबस को बेशक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना। फिर इस पावर सिस्टम में अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, और किस तरीके से उन सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज पढ़ा जाए, जो कि आपके इस सारे चैप्टर से पावर सिस्टम के ये सारे टॉपिक आपके आ जाए, है ना। तो चलिए आज हम पावर सिस्टम के सिलेबस जो SSC और RRBJEE के द्वारा दिया जाता है हर बार, उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो जब भी आप पावर सिस्टम का सिलेबस देखोगे कि जो कि SSC JEE RRBJEE देता है, तो वहां पे आपको लिखा रहता है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये पावर सिस्टम का पार्ट है। पावर सिस्टम का मतलब क्या है, पावर का एक सिस्टम अरेंजमेंट है, यानी उसमें जनरेशन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और उसमें यूटिलाइजेशन भी होगा। हालांकि उस सब्जेक्ट को अलग बांट देते हैं, लेकिन यूटिलाइज तो होगा, है ना। तो चलिए, तो यहां पर पावर सिस्टम के ये सिलेबस है, और सिलेबस में पूरे चीजों को यहां पे मेंशन किया है। तो एक पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को और जनरेशन को एक जगह दिया गया, यूटिलाइजेशन को अलग जगह दिया गया, और यूटिलाइजेशन को हम अलग सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत जगह आपको पावर सिस्टम में ही यूटिलाइजेशन को भी पढ़ा दिया जाता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये अपने आप में एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कोई पावर सिस्टम में पढ़े, क्योंकि पावर सिस्टम का ही एक हिस्सा है, तो इसको साथ में भी पढ़ सकता है। अब यहां पे मैं एक एक करके टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा। इस पावर सिस्टम में आपने तो टॉपिक ऑलरेडी देखा हुआ है, ये टॉपिक आपके सामने भी मेंशन है, लेकिन अपने को कैसे पढ़ना है कि ये पावर सिस्टम बहुत आसान हो जाए, अपन उसी की चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस नोट और आपको यहां तक दिया हुआ है, और जनरेशन यूटिलाइजेशन को भी पढ़ूंगे, तो आपका पावर सिस्टम का यहां तक सिलेबस दिया हुआ है। अदरवाइज दोनों दो सब्जेक्ट है, अगर पढ़ने वाले पढ़े तो दोनों एक ही सब्जेक्ट है कि नहीं। चलिए, अब अपन पावर सिस्टम को कैसे पढ़ेंगे और पावर सिस्टम कैसे आसान हो जाए, क्योंकि पावर सिस्टम का वेटेज अब SSC JEE के प्री में, मेंस में, हर जगह आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब अभी जो SSC JEE का मेंस हुआ है, उसमें पावर सिस्टम जो है वो आसान ही पूछा है हर को। हालांकि पावर मेंस में जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, पेपर आसानी पूछ रहा है, अच्छे तरीके से आपको डील करना होगा ना। सबसे पहले पावर सिस्टम को पहले समझ जाते हैं कि अपने को कैसे पढ़ना है। तो पावर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात समझिए, तभी इसके टॉपिक पे जाइएगा। एक पावर सिस्टम का एक कंप्लीट सिस्टम हमने यहाँ पे बना रखा है, पावर सिस्टम का। इस पावर सिस्टम के पूरे फ्लो में अगर आप देखोगे तो क्या आपको दिखता है, सबसे पहले आपको हाइड्रो पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर वन। हाइड्रो पावर बोले, या फिर आप इसी को बोल सकते हो जेनरेशन, है ना। अब ये जेनरेशन चाहे हाइड्रो पावर कर सकता है, या फिर थर्मल पावर पर कर सकता है, या फिर न्यूक्लियर पावर कर सकता है। तो जेनरेशन चाहे जिस चीज से मिले, तो ये एक अपने आप में क्या है, पावर सिस्टम का हिस्सा हो गया जेनरेशन का। जब जेनरेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा जी, पहला काम अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का होगा, सॉरी ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करने का होगा। मान लो कहीं से NTPC जनरेट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, तो वही तो लोकल बंदे को डायरेक्ट नहीं डिलीवर करेंगे, उसको ट्रांसमिट करेंगे। ओके, सो यहां पर जो ट्रांसमिशन होगा, जो बड़े बड़े टावर्स के साथ आप देखते हो, ये यहां से यहां का सिस्टम जो है वो आपको क्या एक तरीके से मिल रहा है, ये ट्रांसमिशन का मिल रहा है। देखिए क्या मिल रहा है, ट्रांसमिशन का, है ना। अब यहाँ पे ऐसे कहने वाले कहेंगे कन्वर्टर टर्मिनल्स क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो हम जनरेट करते हैं, मान लो 11 KV पे जनरेट करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन तो आपको हायर वैल्यू पे करना पड़ता है, नहीं तो लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक कन्वर्जन एक अलग चीज है, लेकिन ओवरव्यू पावर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ओवरव्यू में आपको क्या देखना पड़ेगा कि सर पहले जनरेशन हुआ, तो इसलिए पावर सिस्टम के अंदर जनरेशन को पढ़ते हैं। भले ही यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट को पता है, लेकिन आपको हर एक पावर प्लांट से क्वेश्चन आते हैं, तो सारे पावर प्लांट को आपको पढ़ना पड़ता है। अभी हाल के दिनों में UPPCL JEE के अंदर भी इनके अच्छे खासे वेटेज देखे गए, और नॉर्मल SSC JEE RRBJEE RSEB या और भी किसी स्टेट के एग्जाम में भी इनके वेटेज जनरेशन के अच्छे होते हैं ना। अब ट्रांसमिशन की बात होगी, तो कन्वर्जन की फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे, ये सब तो आगे पढ़ना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खूब पढ़ोगे, या फिर आगे भी पढ़ोगे कि जो ये 11 KV पे अगर जनरेट हो रहा है,
है ना, और यहाँ पे आपको 132 केवी पे ट्रांसमिट करना है, तो ऑब्वियसली स्टेप अप करके आप बढ़ाओगे वोल्टेज, तो ये अलग चीज है, सेकेंडरी चीज है। अब मैं आप बात करूं जनरेशन किया, देन क्या हुआ ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन के बाद अगर मान लो कहीं पे एनटीपीसी जनरेट किया ट्रांसमिट किया, उसके बाद क्या खाली ट्रांसमिट करते जाएंगे या फिर इसका यूटिलाइज भी करेंगे, बेशक इसका यूटिलाइजेशन भी होगा, यानी पहले इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब यूटिलाइजेशन होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो किसी सब स्टेशन पे लाके फिर इसको क्या करेंगे जी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब सब स्टेशन क्या है एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है कि कहीं से आया फिर वोल्टेज को घटाइए और फिर डिलीवर करिए, ये एक जंक्शन पॉइंट बन गया है, तो मेनली काम क्या हो गया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए भाई हाई लेवल से आया उतना किसी घर में नहीं दे सकते, आप वोल्टेज को घटाइए, तो घटाने का काम सब स्टेशन के द्वारा हो रहा है, और उसके बाद आप क्या करिए यहाँ पे मान लो 415 वोल्ट यहाँ पे आपको मिला है, है ना। तो समझिए जनरेट किया 11 केवी पे, 132 पे ट्रांसमिट किए, पावर लॉस ना हो ज्यादा इसलिए ट्रांसमिट किए, अब 415 वोल्ट मिल गया किसके डिस्ट्रीब्यूशन को। अब ये काम तो तीन काम हो गया, चौथा काम जो मेजर है वो क्या है यूटिलाइजेशन, कस्टमर जो है वही क्या कर रहा है यूटिलाइज कर रहा है, तो यूटिलाइजेशन तो पावर सिस्टम का पार्ट है, यूटिलाइजेशन है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रिपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मत समझो, ये है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आपका एक पावर सिस्टम के अंदर कंप्लीट क्या पैकेज देखने को मिल रहा है सर, पहले जनरेट करेंगे फिर ट्रांसमिट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए पावर सिस्टम को हम मेनली तीन चीजों में बांटते हैं, क्लियर, सॉरी पावर सिस्टम को मेनली क्या करेंगे एक दो तीन चार भागों में बांटेंगे, कितना जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। नाउ अगर कोई पावर सिस्टम यहां से यहां तक आता है, बात को समझिए, तो कहीं पर मान लो आंधी तूफान आ रहा है या हवा के तेज झोंके आ रहे हैं, इसके वायर टूट सकते हैं और ये गिरेगा तो इसमें हेवी पावर वोल्टेज होगा, हेवी वोल्टेज होगा, अगर ये खुद के टावर से जाके टकरा जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। सो कोई ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कोई वायर गिर जाए तो एक तरीके से ये फॉल्ट होता है, और ऐसे चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं जी प्रोटेक्शन देते हैं, क्या करते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, क्लियर, क्या देते हैं प्रोटेक्शन देते हैं। तो इन सिस्टम को बचाने के लिए चाहे हाइड्रो पावर प्लांट में कोई फॉल्ट हो, चाहे आपको ट्रांसमिशन में कोई फॉल्ट हो, चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फॉल्ट हो, या फिर आपके घर के अंदर कोई इस वायर के कारण फॉल्ट देखने को मिलता है, तो पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। सो इसी पावर सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। तो कितने चीज हो गए, तो पहले आप पावर सिस्टम को समझिए कि पावर सिस्टम को पढ़ने के लिए कितने टॉपिक हो गए, मेजर टॉपिक की बात करें पहले ओवरव्यू में जा रहा है ना सर, पहले जनरेशन देन ट्रांसमिशन देन डिस्ट्रीब्यूशन देन यूटिलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो कि पहले प्रोटेक्शन पढ़ लेंगे फिर यूटिलाइजेशन पढ़, तो ये एक पूरा सीरीज हो गया पावर सिस्टम, क्लियर। अब देखिए किस तरीके से पढ़ता है, अब एग्जाम में अभी क्या दे दिया आपको जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो एसएससी के सिलेबस में यहां तो लिख दिया जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन बोल रहा है यहां पे पढ़िए, लेकिन यहां पे आपको अलग से एक और स्विच गियर प्रोटेक्शन नहीं दिया, स्विच गियर प्रोटेक्शन नहीं दिया, इस टर्मिनोलॉजी को कहीं यहीं पर देखोगे आपको लिख दिया गया है ना, अगर आप यहां पे कहीं मैच करोगे तो आपको कहीं ना कहीं देखिएगा यहीं पे कहीं लिखा गया है स्विच गियर प्रोटेक्शन, है ना, देखो जैसे प्रोटेक्शन है ये स्विच गियर, है ना, स्विच गियर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन इसको मेन टॉपिक में बनाना था चारों में और उसी में सब चीज आना था, लेकिन इन्होंने अलग तरीके से किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप सो चीजों को आपने अच्छे से समझा कि किस तरीके से होता है, तो पावर सिस्टम के अंदर जब पढ़ना है आपको ये प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, क्लियर। अब जो प्रोटेक्शन स्कीम है सब जगह सब तरह का प्रोटेक्शन लगेगा, ट्रांसमिशन में अलग तरह के प्रोटेक्शन लगते हैं, है ना, आपके घर में फ्यूज लगता है, कहीं रिले लगता है, सर्किट ब्रेकर लगता है, तो सब जगह सब तरह स्विच गियर होंगे यानी प्रोटेक्शन स्कीम होंगे, तो इसलिए अलग अलग टाइप के स्विच गियर प्रोटेक्शन होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं, रिलेज होते हैं, है ना, एचआरसी फ्यूज होते हैं, तो इनकी चर्चा आप आगे करेंगे। तो ये हुआ, तो आप अगर सिलेबस को बांटे, हम अगर किसी चीज को ना देखे, अगर कह देगा कि मुझे पावर सिस्टम पढ़ना है, तो पावर सिस्टम में सबसे पहले हम कहेंगे कि पावर सिस्टम की जो मुख्य भाग है वो है जनरेशन देन ट्रांसमिशन देन डिस्ट्रीब्यूशन देन स्विच गियर प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, या फिर आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो यूटिलाइजेशन एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन।
तो इस तरीके से पावर सिस्टम के अंदर हमेशा ही आपको कुछ ये नजारा देखना पड़ेगा, इतने सारे चीज पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन सिलेबस के अंदर मुख्यतः जो है, सिलेबस के अंदर क्या किया जाता है, पावर सिस्टम में इतना ही पढ़ा दिया जाता है, इतना ही। और बहुत कोई पावर सिस्टम में इतना पढ़ा के यूटिलाइजेशन कोई और पढ़ाता है। यूटिलाइजेशन तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अमूमन पावर सिस्टम का ही हिस्सा है, लेकिन हम सब्जेक्ट को बांट देते हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट ना हो जाए, इसलिए सब्जेक्ट को छोटा करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं, तो बोलते हैं पावर सिस्टम। अच्छा, यही डिप्लोमा में आप जाते हो है ना, या बीटेक में जाते हो, तो पावर सिस्टम वन, पावर सिस्टम टू, डिप्लोमा में जाते हैं तो एक पढ़ते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन। जब आप डिप्लोमा की बात करेंगे तो एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा ना हो जाए, तो एक सब्जेक्ट तो इसको बना देता है और एक सब्जेक्ट इसको बना देता है, एक सब्जेक्ट इसको बना देता है, तो समझिए क्यों ऐसा होता गया, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। एक साथ आप कलेक्ट करोगे छोटे लेवल के एग्जाम में, यानी डिप्लोमा में सेमेस्टर के दौरान, तो बहुत टफ हो जाएगा। इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो जनरेशन पढ़वा देते हैं, दूसरी बार ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़वा देते हैं, तीसरी बार स्विच गियर प्रोडक्शन पढ़ा देते हैं, है कि नहीं, एक बार यूटिलाइजेशन पढ़ाते हैं। इस तरीके से एक दो तीन चार सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक पावर सिस्टम और दूसरा यूटिलाइजेशन। तो आई होप सो क्लियर है। नो, सब्जेक्ट्स तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एग्जाम को अगर ओरिएंटेशन रखें, एग्जाम को अगर ध्यान में रखें, तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के कितने चैप्टर्स होंगे, इतनों में से, यानी इतनों में से, मैं एक से लेके चार तक की बात कहूं, एक से लेके अगर चार तक की बात करूं, तो इतनों में से हमारे लिए इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा, इतने में इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लो कि हमारा पावर सिस्टम कंप्लीट हो जाए फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी जेई एंड आरआरबी। ओके, चलिए, ये और ये तो किसी चाहे स्टेट की जेई में भी जाएंगे, यूपीपीसीएल में भी जाएंगे, तो वहां भी ये पावर सिस्टम आराम से काम आएगा, है कि नहीं। चलिए, अगर मैं बात करूं तो इन चैप्टर को हम सिलेबस चैप्टर वाइज अगर इस सिलेबस को पढ़े तो कैसे पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज अगर इस सिलेबस को पढ़े तो कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। आइए, जो जेनरेशन है ना, उनके बारे में भी आप जिन डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, तो इन चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होगा हमारा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्या है इंट्रोडक्शन पावर सिस्टम, जो पावर सिस्टम है वो क्या है नहीं है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, केबल के बारे में, ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं उठ के, केबल से, अंडरग्राउंड केबल से, है ना, तो केबल को पढ़ेंगे। तीसरे में डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर मटेरियल, कौन कौन से कंडक्टर है, एससीआर कंडक्टर आप लोग पढ़ते हो, है ना, अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स बहुत सारे होते हैं, कभी कॉपर के यूज होते हैं, कभी स्टील के यूज होते हैं, कभी आप कह सकते हो सॉरी एल्युमिनियम के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के कंडक्टर और उसके मटेरियल की चर्चा होगी। इंसुलेटर, एक बात मैं और बता दूं, एसएससी या आरआरबी के सिलेबस में, इन सिलेबस में कहीं भी इंसुलेटर नहीं मेंशन किया गया, क्या इंसुलेटर नहीं मेंशन किया गया, जबकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, इंसुलेटर पूछता भी है, तो इंसुलेटर नहीं मेंशन किया गया, आपको इंसुलेटर पढ़ना पड़ेगा जी, इंसुलेटर पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है ना। नो, स्विच गियर इससे खूब क्वेश्चन पूछता है, एसएससी भले ही सिलेबस में नहीं डाला, अगर टॉपिक को भी बांटा है तो, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है। स्विच गियर प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर और रिले की चर्चा एकदम होना है, बहुत बड़ा चैप्टर होगा अपने आप में। अब इस स्विच गियर में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके बाद आपको एसएफसिक्स सर्किट ब्रेकर, एसएफसिक्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो बहुत सारे सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतने चैप्टर वगैरह कर लेंगे तो हमारा सारा का मेरा पार हो जाएगा। अब लॉसेस को एक साथ ले, जैसे कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट, फेरेंट इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को एक जगह ले लेंगे। फॉल्ट एनालिसिस, सिर्फ ऐसा मत समझो कि फॉल्ट एनालिसिस में बहुत है, एलजी फॉल्ट, डबल एलजी, ट्रिपल एलजी, है ना, तो बहुत सारे फॉल्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। या फिर आप सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल के टर्म में भी फॉल्ट को पढ़ सकते हैं, तो इसकी चर्चा आगे होगी। पर यूनिट सिस्टम, देखिए कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भले ही क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है ना, बट कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है पर यूनिट सिस्टम, ध्यान रखना। नाउ, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स है ना, किस किस टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, इनकी चर्चा होनी चाहिए। एसी ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन, या ट्रांसमिशन में आप उसके लेंथ के अकॉर्डिंग बांट सकते हो, है ना, उसके कह सकते हो कहीं पे आप स्टील का यूज होता है ना, कहीं लकड़ी का भी ट्रांसमिशन के लिए यूज होता, हालांकि अब तो नहीं यूज होता पर रेयरली कभी कभी हुआ करता था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, उसके बाद आपको कंक्रीट का यूज होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एबीसीडी पैरामीटर आपको, हालांकि
कम क्वेश्चन एसएससी के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन और सब एग्जाम में आपको परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एबीसीडी पैरामीटर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पावर स्टेशन या पावर जेनरेशन के अंदर जेनरेशन, उसके बाद आपका लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर है कि नहीं, डिमांड फैक्टर, ये सारे से क्वेश्चन बनेंगे, तो पावर स्टेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे पावर स्टेशन के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर इतने चैप्टर को आप पावर सिस्टम के अंदर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये एसएससी का जो दिया हुआ सिलेबस है या आरआरबी जेई का दिया हुआ सिलेबस है, सारा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप अच्छे से करोगे और यूटिलाइजेशन अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, होगा तो एक साथ पढ़ा देंगे, तो कोई समस्या नहीं है ना। तो आई होप सो पावर सिस्टम के अंदर किस तरीके से सिलेबस पूछे जा रहे हैं आप इसको बेहतर तरीके से डील कर सकते हो। एक एक करके हम इसको स्टार्ट करेंगे, चीजें बहुत दिन से रुकी हुई थी, अब उम्मीद करते हैं हम लोग बेहतर तरीके से चीजों को एकदम वेल बिगन स्टार्ट करेंगे, है ना। कहते कि कहते हैं अच्छी शुरुआत जो होती है वो बहुत जरूरी होती है किसी चीज के लिए, है ना। और दूसरी बात, हम एमसीक्यू पे बात करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बुक्स आ रही है यहाँ पे, आपको बुक्स मिलेंगे ऐप्स के अंदर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप के अंदर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप के अंदर, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऐप्स जो हैं उन पे आपको ये बुक्स मिलेंगी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। सबसे बड़ी बात, इसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, है ना। वीडियो सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीक तक आपको ये बुक्स आ जाएंगे। धीरे धीरे इसके वीडियो भी सोल्यूशन मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उनके वीडियो सोल्यूशन होंगे। स्पेशली एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, यूपीपीसीएल वगैरह के लिए ये स्पेशली ध्यान में रख के स्मार्ट बुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो हम इस पे पूरी तरीके से फोकस करेंगे, ये सिलेबस भी चलता रहेगा स्पेशली फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं पावर सिस्टम का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में आ गया है, इसको पढ़ने का भी तरीका पता चल गया और इसको बेहतर तरीके से अपन पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका जो होगा बिल्कुल एनिमेटेड और इमेज की सहायता से होगा, ताकि आप चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। और मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आई होप सो आप ऑलरेडी अगर इस प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको पता होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।